हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आपका रसोई घर। आज मैं अपनी रसोई में आपके साथ टमाटर की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे टमाटर से और ये टेस्ट में बिल्कुल कच्चे आम की चटनी की तरह लगेगा। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 6-7 लहसुन की कली और 2 सूखी लाल मिर्च लिया है। सबसे पहले हम टमाटर को टुकड़ों में काट लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। हमें इसे बिल्कुल रफली चॉप कर लेना है। बिना आम के मौसम के अगर आपको आम की चटनी खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं। इसी तरीके से हम दोनों टमाटर को काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें कटे हुए टमाटर के टुकड़ों को डाल देंगे। लहसुन, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और बिना पानी डाले हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये चटनी मिनटों में बनके रेडी हो जाता है और खाने में बिल्कुल कच्चे आम की चटनी के टेस्ट का बनता है। ये देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी टमाटर की चटपटी चटनी बनके रेडी है। तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।